जय हिंद फ्रेंड्स मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी एस ए क्लासेस पे आज हम लोग एस एस सी फेज़ नाइन के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एस एस सी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज क्लास को सपोर्ट करें क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें तो चलिए शुरू करते हैं क्लास विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आंसर करेंगे इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कहां स्थित है तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट और अगर आपसे पूछेगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है सागर माथा कहा जाता है याद रखना है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है ठीक है और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल और तिब्बत के एरिया में फैला हुआ है आपको याद रखना है ठीक है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है अगर पूछता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है यानी पूछेगा माउंट एवरेस्ट किसका भाग है तो याद रखना है माउंट एवरेस्ट जो है हिमाद्री का भाग है ग्रेटर हिमालयाज का भाग है ठीक है तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और यह हिमाद्री का भाग है ग्रेट हिमालयाज का भाग है तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सके अगला सवाल प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी आपको बताना है पहली भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल याद रखना है बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा बछेंद्री पाल याद रखिएगा अगला सवाल माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी आंसर करेंगे माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जुंको तबई याद रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी जुंको तबई ठीक है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तबई अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला कौन है वेलेंटेना तेरे याद रखना है अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला कौन थी अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला यानी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला कौन थी तो वेलेंटेना तेरेसुकोवा याद रखना है अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला थी वैलेंटेना तेरेसुकोवा और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुन को तेबई और ऑप्शन नंबर बी क्या है ऑप्शन तो नंबर बी भी आपसे पूछ सकता है कैरोलिन मिकेलसन तो कैरोलिन मिकेलसन को क्यों जाना जाता है याद है तो बताइए तो अंटार्क्टिका पर कदम रखने वाली पहली महिला है याद रखना अंटार्क्टिका पर कदम रखने वाली पहली महिला ठीक है पूछ सकता है अंटार्कटिका पर कदम रखने वाली पहली महिला ठीक है अंटार्कटिका पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन है तो याद रखना है कैरोलन कैरोलिन मिकेलसन ठीक है तो यहां से क्या समझ में आया कि जुंको तेवई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी अंटार्कटिका पर कदम रखने वाली पहली महिला कैरोलिन मिकेलसन और अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा याद रखिएगा तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें अगला सवाल दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही का नाम आपको बताना है दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही का नाम क्या है आप सभी जानते हैं संतोष यादव तो याद रखना है दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही का नाम क्या है संतोष यादव ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा अगला सवाल सेकेंड इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है ठीक है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है तो आप जानते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेन्द्री पाल और दूसरी कौन थी ये आपको बताना है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला का नाम क्या है तो आप याद रखिएगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला का नाम है संतोष यादव ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा बिछेन्द्री पाल के बाद संतोष यादव ने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी ठीक है अगला सवाल भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है आंसर करेंगे भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पूछेगा तो याद रखना है के माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत के एरिया में उपस्थित है मतलब स्थित है माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल और तिब्बत

याद रखना है केटू गॉडविन ऑस्टिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है कंचनजंगा सिक्किम में है नंदा देवी उत्तराखंड में है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ठीक है तो यहां पे पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखना है केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है याद रखना है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है ठीक है जो कि विवादित एरिया में है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है ठीक है अगर पूछता निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आपका आंसर क्या होगा कंचनजंगा समझ में आया अगर पूछता निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप आंसर क्या करेंगे कंचनजंगा आंसर करेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आंसर करें भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सही आंसर क्या होगा केटू केटू गॉडविन ऑस्टिन भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी है तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा ठीक है अब देखिए यहां से और सवाल क्या पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं आप जानते हैं ये ठीक है ठीके? इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है कहां पे है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ठीक है फिर आपसे पूछेगा फिर यहां से आपसे पूछ सकता है कि जैसे पूछ सकता है कि किसका जैसे कि मतलब कौन सा पर्वत शिखर कहाँ पे है जैसे आपसे पूछेगा का काराकोरम रेंज के अंतर्गत कौन कौन सा आता है ठीक है तो याद रखना है कि ट्रांस हिमालयन ट्रांस हिमालयन के अंतर्गत काराकोरम लद्दाख जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी आता है ठीक है और अगर पूछेगा ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा तो ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री के अंतर्गत आपका सागरमाथा आता है या फिर माउंट एवरेस्ट आता है ठीक है तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन याद रखेंगे अगला सवाल भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है आंसर करें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो देखिए यहां माउंट एवरेस्ट तो होगा नहीं बाकी तीनों में कौन है कंचनजंगा तो आपको याद रखना है भारत की सबसे ऊंची चोटी ठीक है केटू गॉडविन है जो कि विवादित एरिया में है अगर पूछेगा निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी निर्णय विवादित सबसे ऊंची चोटी तो आपको याद रखना है निर्विवादित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है समझ में आया तो भारत की निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है आप याद रखिएगा ठीक है तो याद रखिएगा अब इसका हाइट भी पूछ सकता है कभी कभी जरूरी नहीं है लेकिन जैसे कंचनजंगा पांच हजार कंचनजंगा जो है आठ हजार पांच सौ अंठानवे मीटर ऊंचाई पे है मकालू आठ हजार चार सौ इक्यासी मीटर की ऊंचाई पर है ठीक है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है माउंट एवरेस्ट भी आप जानते हैं आठ हजार आठ सौ पचास पॉइंट समथिंग के बराबर है अभी लगभग ठीक है तो उसको भी आप याद रख सकते हैं आठ हजार आठ सौ अड़तालीस पॉइंट एट सिक्स जनरली अब कुछ थोड़ा बढ़ा भी है अभी ठीक है तो उसको भी आप याद रख सकते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होगा याद रखना है ऑप्शन नंबर ए अलग अलग किताब में अलग अलग हाइट भी दिया हुआ रहता है ठीक है अगला सवाल हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है तो आपको बताना है कंचनजंगा जो है कहां स्थित है ठीक है कंचनजंगा कहां स्थित है तो सही आ, आंसर क्या होगा सिक्किम याद रखना है कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा आपको यह भी याद रखना है कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल दोनों जगह पड़ेगा ना कंचनजंगा पूछेगा कहा है तो सिक्किम और नेपाल सीमा पे ठीक है तो कंचनजंगा सिक्किम में है सही बात है लेकिन अगर ऑप्शन में बी और सी दोनों दिया रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा बी और सी दोनों ठीक है इस क्वेश्चन में मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया है ऑप्शन सिर्फ ए बी सी डी करके दिया है तो हम सिक्किम आंसर कर देंगे लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है बी और सी सी एंड बी ठीक है तो उस सिचुएशन में हमको पता है कि कंचनजंगा जो है वो नेपाल और हिमालय ठीक है थीके? दोनों को कवर करता है मेनली सिक्किम में है लेकिन दोनों को कवर करता है ये ठीक है कुछ हिस्सा इसका नेपाल में भी है तो वहां पे अगर बी और सी ऑप्शन देगा तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा बी और सी और वैसे आंसर क्या होगा तो याद रखना है कि सिक्किम में है कंचनजंगा ठीक है तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर कीजिएगा अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस इनमें से कौन सा करेक्ट सिक्वेंस है तो ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट यानी यहां पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा मतलब आपका पर्वत चोटी है वो आपको बताना है सीक्वेंस में या फिर घटते क्रम में जो भी सूट हो जाए ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा पढ़ के ही पता चल गया यही होगा आंसर समझ में आया पैंतीस का सी आंसर होगा क्यों क्योंकि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गार्डविनास्टीन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा समझ में आया तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दूसरी सबसे ऊंची चोटी गार्डविनास्टीन और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे ठीक है अगला सवाल नंदा देवी पीक नंदा देवी चोटी ऑप्शन नंबर ए आसाम हिमालय का भाग है ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल हिमालय का भाग है ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय का एक भाग है ऑप्शन नंबर सी पंजाब हिमालय का भाग है तो नंदा देवी उत्तराखंड में है तो नंदा देवी किसका भाग है सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो नंदा देवी किसका भाग है तो याद रखना है नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है ठीक है तो गढ़वाल हिमालय यहां पे ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर ठीक है पूछेगा नंदा नंदा देवी चोटी किसका भाग है तो याद रखना है कि नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है ठीक है और ये आपका याद रखना है कहां पे उत्तराखंड में ठीक है या फिर एग्जाम में कभी कभी आपको ये भी दे सकता है कुमाऊं हिमालय तो याद रखना है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है ठीक है लिख देते हैं भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की थर्ड सबसे ऊंची चोटी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी चोटी ठीक है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी चोटी ठीक है नंदा देवी शिखर भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में है और सॉरी उत्तराखंड में है और आपसे पूछेगा किसका भाग है तो याद रखना है गढ़वाल हिमालय का भाग है या फिर कुमाऊं हिमालय का भाग है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं नंदा देवी इज लोकेटेड इन नंदा देवी कहां स्थित है तो नंदा देवी उत्तराखंड में है सही आंसर क्या होगा नंदा देवी उत्तराखंड में है इसके अलावा आप जानते हैं आपसे पूछेगा बद्रीनाथ कहां पे है बद्रीनाथ आप जानते हैं उत्तराखंड में है पूछेगा बद्रीनाथ कहां पे है तो आपको याद रखना है बद्रीनाथ उत्तराखंड में है फिर आपसे पूछ सकता है केदारनाथ कहां पे है केदारनाथ आप जानते हैं उत्तराखंड में है केदारनाथ कहां पे है तो बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड में है फिर आपसे पूछ सकता है देव प्रयाग कहां पे है देव प्रयाग कर्ण प्रयाग तो ये भी उत्तराखंड में देव प्रयाग कर्ण प्रयाग विष्णु प्रयाग ठीक है देव प्रयाग कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग ठीक है ये सब कहा है उत्तराखंड में तो याद रखना है कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ इसके अलावा देव प्रयाग कर्ण प्रयाग विष्णु प्रयाग रुद्रप्रयाग ये सब यहाँ पे स्थित है ठीक है तो नंदा देवी याद रखना उत्तराखंड में है और नंदा देवी पर्वत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि कुमा हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय का भाग है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाभ उठा सके अगला सवाल नंदा देवी पीक इज लोकेटेड नंदा देवी शिखर कहां स्थित है तो आंसर करेंगे नंदा देवी शिखर कहां स्थित है तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर उत्तराखंड में है ना नंदा देवी कहां है उत्तराखंड में है अगला सवाल इन विच स्टेट इज द शिखर माउंटेन पीक लोकेटेड गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है तो आंसर करेंगे गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है तो आंसर क्या होगा आप जानते हैं शिखर कहां पे है राजस्थान में है है ना तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान तो गुरु शिखर याद रखना है गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में है ठीक है आप जानते हैं अरावली पर्वतमाला ठीक है अरावली पर्वतमाला के बारे में आप जानते हैं कि अरावली पर्वत जो है प्राचीनतम पर्वत है और अरावली पर्वत एक प्रकार का रेसिडुअल रेसिडुअल माउंटेन है तो अगर पूछेगा अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है तो रेसिडुअल पर्वत है याद रखना है अरावली अरावली जो है वो प्राचीनतम मोड़दार परत है अरावली जो है वो प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है जो कहाँ पे है राजस्थान में right, so, so, तो है अरावली पर्वत और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गुरु शिखर आपको याद रखना है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर अरावली पर्वत का ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है और अरावली पर्वत जो है रेसिडुअल फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है और आपको पता होगा कि जो अरावली पर्वत है वहां से दो नदी निकलती है अरावली पर्वत से जो नदी निकलती है पूछता है एग्जाम में तो बता दीजिए कौन कौन सा नदी निकलता है अरावली पर्वत से एक तो आपको याद रखना है लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है लूनी नदी तो याद रखना है लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है ठीक है लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और राजस्थान का जो मैदानी भाग है वहां का सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी आपको याद रखना है ठीक है याद रहेगा याद रखेगा तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है अरावली पर्वत से निकलती है साथ ही साथ माही नदी माही नदी भी यहाँ से निकलती है तो लूनी नदी और माही नदी कहाँ से निकलती है तो लूनी और माही नदी अरावली पर्वत से निकलती है राजस्थान में है और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर याद रखिएगा तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है पूछेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां है तो राजस्थान के माउंट आबू में है जो कि जैन धर्म के लिए फेमस है तो याद रखना है कि आबू पहाड़ी में जैन धर्म का एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है दिलवाड़ा का जैन मंदिर याद रखिएगा अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है इनमें से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है अगर गुरु शिखर होता तो आंसर गुरु शिखर होता क्योंकि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है गुरु शिखर है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर बताना है क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है ठीक है आप जानते हैं कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा कुंभलगढ़ ठीक है ऑप्शन के हिसाब से पूछेगा अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी इन चारों में तो याद रखना है कुंभलगढ़ जो है अरावली पर्वत का इन चारों में सबसे ऊंचा चोटी है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में शहक्रम को प्रस्तुत करता है मतलब इनमें से कौन सा हिमालय का चोटी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को बताता है ठीक है तो आंसर देखिए ऑप्शन देखिए आंसर बताइए ऑप्शन नंबर ए धौलागिरी कंचनजंगा मकाऊ माउंट एवरेस्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में पूछा है ठीक है आपको बताना है हिमालय का कौन सा चोटी जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम को प्रस्तुत करता है धौलागिरी कंचनजंगा मकाऊ माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर बी बरवा कंचनजंगा नंदा देवी माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर सी मकालू धोलागिरी कुमाऊ नामचा बरवा ऑप्शन नंबर डी नामचा बरवा कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट नंदा देवी तो आंसर बताएं हिमालय का कौन सा चोटी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में अवस्थित है स्थित है तो सही आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट कीजिए तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है कि नामचा बरवा ठीक है नामचा बरवा कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी ठीक है तो अगर पूछेगा हिमालय की चोटी का पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम बताना है तो पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम है नामचा बरवा कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट नंदा देवी ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे अगला सवाल विच वन ऑफ दी फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है बताना है इनमें से कौन पर्वत श्रृंखला भावत भारत में अवस्थित नहीं है ठीक है तो याद रखना है गोसाईनाथ पर्वत गोसाईनाथ पर्वत जो है भारत में स्थित नहीं है तो याद रखना है गोसाईनाथ पर्वत भारत में स्थित नहीं है बाकी कामेत पर्वत नंदा देवी पर्वत और त्रिशूल पर्वत जो है भारत में स्थित है तो गोसाईनाथ पर्वत कहाँ स्थित है तो गोसाईनाथ पर्वत नेपाल में स्थित है ठीक है तो याद रखना है कि गोसाईनाथ पर्वत नेपाल में स्थित है और यह भारत का हिस्सा नहीं है ठीक है तो गोसाईनाथ पर्वत नेपाल में है याद रखेंगे अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड इनमें से कौन मैच नहीं है ऑप्शन नंबर ए चांगला चांगला दर्रा जम्मू और कश्मीर ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी बोमडिला अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी शेला पास उत्तराखंड तो आपको बताना है कौन सा दर्रा जो है उसका सही स्थिति नहीं दिया गया है तो आंसर करेंगे देखिए आपको एक चीज यहां से याद रखना है कि चांगला दर्रा हिमाचल पर... चांगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है ये तो सही है कि चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है लेकिन शेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है और आपसे भी पूछा है कौन सा नहीं है समझ में आया तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा तो सेला दर्रा कहाँ पे है बता दीजिए शेला दर्रा कहाँ पे है तो याद रखना है शेला दर्रा हिमाचल प्रदेश में कहा है और यहां लिखा है उत्तराखंड जबकि है कहां हिमाचल प्रदेश में तो आपको याद रखना है कि चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सेला दर्रा हिमाचल प्रदेश बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा ठीक है तो सेला दर्रा या सेला दर्रा कहां पे हिमाचल प्रदेश में याद रखना है अगला सवाल पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है तो आंसर करेंगे पालघाट किनके मध्य स्थित है पालघाट किनके मध्य स्थित है ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स ऑप्शन नंबर सी अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी ऑप्शन नंबर डी कार्डामम हिल्स एंड पालिनी हिल्स तो बताना है पालघाट दर्रा जो है किन के बीच स्थित है तो आप जानते हैं कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है तो याद रखना है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है ठीक है और एक चीज यहां से याद रखना है कि पालघाट दर्रा जो है वो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है ठीक है तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है और पालघाट दर्रा पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ती है ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा और आपको एक चीज और पता होगा कि केरल केरल के नीलगिरी केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में साइलेंट वैली है तो केरल में पूछता है कि क्या है साइलेंट वैली कहाँ है केरल में है जो कि जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आप याद रखिएगा ठीक है अगर आपसे पूछेगा कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर है कोडाई कनाल कोडाई कनाल तो याद रखना है कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर है तो पालनी घाटी पर है पालनी पहाड़ी पर है पालनी पहाड़ी पर है कोडाई कनाल अगर पूछेगा किस राज्य में है तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में है ठीक है तो याद रखना है कोडाई कनाल तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी पर है ठीक है इस चीज को आप याद रखिएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आंसर करें बॉमडिला दर्रा ऑप्शन नंबर ए बॉम्डिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है है ना तो बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा सिक्किम ठीक है नाथुला दर्रा सिक्किम सही है ऑप्शन नंबर सी देखिए भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश ठीक है और ऑप्शन नंबर डी पालघाट केरल इन्हीं दोनों में गलत है तो कौन सा गलत है तो याद रखना है पालघाट तो केरल में ये सही है पालघाट दर्रा केरल में लेकिन भोरघाट दर्रा जो है ये गलत है भोरघाट दर्रा कहां है हिमाचल प्रदेश में नहीं है ठीक है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखना है तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है नाथुला दर्रा सिक्किम में है भोरघाट दर्रा कहां पे है तो भोरघाट दर्रा आपको दर्रा आपको याद रखना है मुंबई में है महाराष्ट्र में है भोरघाट दर्रा कहां पे है महाराष्ट्र में है भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है समझ में आया तो भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है ठीक पालघाट पूछेगा तो पालघाट आपको याद रखना है केरल में है पालघाट दर्रा पालघाट दर्रा कहां पे है केरल में है ये ठीक लिखा है केरल में है और पालघाट दर्रा जो है वो क्या करता है पलक्कर और कोयम्बट्टूर को जोड़ता है किसको पलक्कर और कोयम्बट्टूर को जोड़ता है पालघाट दर्रा पलक्कड़ और कोयम्बट्टूर को जोड़ता है ठीक है पालघाट दर्रा पलक्कड़ और कोयम्बट्टूर को जोड़ता है याद रहेगा पालघाट दर्रा पलक्कर और कोयम्बट्टूर को जोड़ता है तो पालघाट दर्रा पलक्कर और कोयम्बट्टू को जोड़ता है केरल में है पालघाट दर्रा ठीक है भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है मुंबई और पुणे को जोड़ता है थालघाट दर्रा भी लिख लीजिएगा कि थालघाट दर्रा किसे जोड़ता है कहाँ पे है थालघाट दर्रा और किसे जोड़ता है तो थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा कहां पे है महाराष्ट्र में है थालघाट दर्रा याद रखना है महाराष्ट्र में है थालघाट दर्रा और थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है तो याद रखना है थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है ठीक है तो इस चीज को आप याद रखिएगा तो यहां पे आपका कौन सा सुमेलित नहीं है तो याद रखना है भोरघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है लेकिन ऑप्शन में यहां लिख दिया है हिमाचल प्रदेश तो ये गलत है ठीक है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट करें अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है आंसर करेंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए सिपकिला दर्रा तो so, सिपकिला दर्रा कहां पे है तो so, हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा सही है ये सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश ठीक है ये तो सही है दूसरा देखिए लिपुलेख दर्रा लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है ठीक है लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है नाथुला दर्रा सिक्किम में है जोजिला दर्रा कश्मीर में है तो तीन ऑप्शन तो सही दिख रहा है और हमसे पूछा है कौन सा गलत है तो सही आंसर क्या होगा लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है लिपुलेख दर्रा उत्तरा उत्तराखंड में है यूके में है ठीक है तो याद रखना है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है समझ में आया लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है याद रखना है अब थोड़ा सा यहां से, से इंपॉर्टेंट सवाल आप देखिए अगर आपसे पूछता है लिपुलेख दर्रा के बारे में तो लिपुलेख दर्रा एक तो उत्तराखंड में है उत्तराखंड का कुमाऊं श्रेणी में उत्तराखंड का कुमाऊं श्रेणी में तो याद रखना है यूके का कुमाऊं श्रेणी में ठीक है उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में लिपुलेख दर्रा अवस्थित है ठीक है और यह भी आपको याद रखना है कि मानसरोवर याद रखना है कि मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री जो है लिपुलेख दर्रा का यूज करते हैं यानी लिपुलेख दर्रा से ही मानसरोवर ठीक है और कैलाश पर्वत तक पहुंचा जा, जाता है मानसरोवर और कैलाश पर्वत तक मानसरोवर और कैलाश पर्वत ठीक है तो मानसरोवर और कैलाश पर्वत को जोड़ता है तो आपको याद रखना लिपुले है लिपुलेख दर्रा मानसरोवर और कैलाश पर्वत को जोड़ता है ठीक है इसको आप याद रखिएगा और एक सवाल याद रखना है कि लिपुलेख दर्रा जो है किसके किसके बीच में सीमा बनाता है तो भारत चीन और नेपाल के बीच में भारत चीन और नेपाल के बीच सीमा ठीक है तो लिपुलेख दर्रा भारत चीन और नेपाल के बीच सीमा बनाता है तो भारत चीन और नेपाल के बीच में सीमा बनाता है लिपुलेख दर्रा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है याद रखना है ठीक है तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है लिपुलेख दर्रा मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है ठीक है और भारत चीन और नेपाल को नेपाल का सीमा को जोड़ता है लिपुलेख दर्रा याद रखना है ठीक है अगला ऑप्शन देखिए नाथुला दर्रा तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है तो नाथुला दर्रा याद रखना है कि सिक्किम में है नाथुला दर्रा सिक्किम में है और आपको याद रखना है कि यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच में नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच में प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग का एक उपशाखा था तो भारत और चीन ठीक है तो नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में एक लिंक स्थापित करता है नाथुला दर्रा सिक्किम में है याद रखना है ठीक है जोजिला दर्रा पूछेगा तो जोजिला दर्रा याद रखना है कहाँ है कश्मीर में है जोजिला दर्रा तो जोजिला पूछेगा तो याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा और याद रखना है जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है कहाँ पे स्थित है जास्कर श्रेणी में जोजिला जो दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है याद रखेंगे जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है कहाँ स्थित है कौन कहाँ पे तो कश्मीर में ठीक है तो याद रखना है लेकिन अभी जो है अभी ये लद्दाख का पाठ हो गया है ठीक है समझ में आया अभी जो है वर्तमान में इसका ज़्यादातर पात पार्ट लद्दाख में पड़ता है तो जुजिला दर्रा कश्मीर में है ऑप्शन में लद्दाख देगा आज के टाइम में तो वो भी आप याद रखिएगा कि जुजिला दर्रा जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है इसके अलावा जुजिला दर्रा जुजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर कारगिल और लेह के बीच में संपर्क स्थापित करता है जुजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल और लेह के बीच में एक बोल सकते हैं कि संपर्क स्थापित करता है ठीक है तो आप इसको याद रखिएगा जोजिला दर्रा कहां पे है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है सिपकिला दर्रा कहां पे है तो शिपकिला दर्रा याद रखना हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा कहां पे है हिमाचल प्रदेश में तो यहां से कौन सा सुमेलित नहीं है तो लिपुलेख दर्रा सुमेलित नहीं है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है याद रखना है ठीक है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाभ उठा सके अगला सवाल निम्न युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है एक तरफ पर्वत का दर्रा है दूसरे तरफ राज्य है तो आप जानते हैं सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है नाथुला दर्रा सिक्किम में है और यहाँ गलती लिखा है तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है सिक्किम में है तो याद रखना है नाथुला दर्रा सिक्किम में है ठीक है जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में इसका मतलब देख रहे हैं कि तीन तो आपका सही है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर ठीक है तो कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आंसर क्या होगा नाथुला दर्रा तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है याद रखना है ठीक है तो चलिए क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज द वे टू निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है तो आंसर करेंगे कौन सा ऐसा दर्रा है जिससे होकर लेह पहुंचा जाता है तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा ठीक है जोजिला दर्रा से लेह पहुंचा जाता है तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा जोजिला दर्रा और आपको यह भी याद रखना है कि जोजिला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी कहां पे है जास्कर श्रेणी लद्दाख में है ठीक है जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी लद्दाख में है जोजिला दर्रा लास्ट जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है और जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसको किसको जोड़ता है श्रीनगर कारगिल और लेह को जोड़ता है समझ में आया जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है या फिर बोल सकते हैं श्रीनगर कारगिल और लेह को जोड़ता है ठीक है तो यही क्वेश्चन पूछा भी है कि लेह जाने का रास्ता किस दर्रा से होता है तो याद रखना है कि श्रीनगर लेह और कारगिल को जोड़ता है जोजिला दर्रा जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है उसको भी आप देख सकते हैं जैसे शिपकिला दर्रा तो पूछेगा सिपकिला दर्रा कहां पे है बता दीजिए सिपकिला दर्रा कहां पे है सिपकिला दर्रा याद रखना हिमाचल प्रदेश में ठीक है शिपकिला दर्रा कहां पे है तो याद रखना है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में ठीक है घाटी वगैरह को भी आपको याद रखना है जैसे चंबा घाटी कहां पे है ठीक है तो चंबा घाटी याद रखना है यहां पे जो है डलहौ ये चंबा घाटी जो है वहां पे आपका घूमने वगैरह का बहुत अच्छा जगह चारी तो है चंबा घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है ठीक है तो यहां पे चुंबी घाटी लिखा है लेकिन इसको ऐसे बोलते हैं चुंबा चंबा घाटी चंबा घाटी कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में यहीं पे है डलहौजी आ, इसके अलावा खजियार पर्यटन स्थल का नाम है डलहौजी ठीक है तो आपको याद रखना है चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है और बनिहाल दर्रा अगर आपसे पूछेगा बनिहाल दर्रा आपको एक चीज देखिए एक चीज दो चीज आपको यहां से याद रखना है ठीक है एक चुंबी घाटी है और एक चंबा घाटी है चंबा घाटी पूछेगा ठीक है चंबा घाटी पूछेगा तो चंबा घाटी कहां पे है तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में है ठीक है चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है और चुंबी घाटी कहां पे है तो सिक्किम में है चुंबी घाटी ठीक है तो यह गलती हो सकता था अभी हमसे भी, हम भी गलती हो जाता तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि चुंबी घाटी सिक्किम में है और चंबा घाटी कहां पे हिमाचल प्रदेश में ठीक है और बनिहाल दर्रा पूछेगा तो बनिहाल दर्रा कहां पे है बनिहाल दर्रा कहां पे है तो याद रखना है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और बनिहाल दर्रा जो है किसे जोड़ता है तो बनिहाल दर्रा याद रखना है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है श्रीनगर को किससे जोड़ता है श्रीनगर को, को जम्मू से जोड़ता है ठीक है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है आपको याद रखना है और एन एच फोर्टी फोर आप जानते हैं ना ठीक है तो पहला सवाल तो ये होगा कि श्रीनगर को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो श्रीनगर को जम्मू से बनिहाल दर्रा जोड़ता है दूसरा सवाल कि पूछेगा यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो एन एच फोर्टी फोर ठीक है इंपॉर्टेंट सवाल है एन एच फोर्टी फोर यहीं पर है ठीक है पूछेगा एन एच फोर्टी फोर किस दर्रे से गुजरता है तो एन एच फोर्टी फोर बनिहाल दर्रा से गुजरता है समझ में आया पूछेगा एन एच फोर्टी फोर किस दर्रा से गुजरता है तो एन एच फोर्टी फोर बनिहाल दर्रा से गुजरता है ठीक है और यहीं पे आप जानते हैं कि जवाहर सुरंग ठीक है पूछेगा जवाहर सुरंग का निर्माण कहां कराया गया है तो जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा में कराया गया है ठीक है जवाहर सुरंग कहां पर है तो याद रखना है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा दर्रा पर किया गया है ठीक है तो यहां आपका सही आंसर क्या होगा लेह जाने का रास्ता किस दर्रा से होकर होता है तो आपको याद रखना है कि जोजिला दर्रा जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह के बीच में संपर्क स्थापित करता है जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है अगला सवाल इन विच स्टेट्स इज नाथुला लोकेटेड नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है तो आंसर करेंगे नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है कहां है सिक्किम में ठीक है तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है आपको याद रखना है अगर आपसे पूछेगा जेलेपला दर्रा पे है तो जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है नाथुला सिक्किम में है जेलेपला दर्रा कहाँ पे है तो जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है तो याद रखना है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है ठीक है अब आपको याद रखना है कि नाथुला दर्रा से रिलेटेड सवाल कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है इसके अलावा नाथुला दर्रा सिक्किम के वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है और भारत युद्ध भारत और चीन का, का जब युद्ध हुआ था उन्नीस में उस समय में इसको बंद कर दिया गया था नाथुला दर्रा को ठीक है तो इस चीज को आप याद रखिएगा अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा देख लीजिए जो ऑप्शन में है उसको देख लेते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है ठीक है तो सबसे ज्यादा पूछता है बॉमडिला दर्रा तो बोमडिला दर्रा कहाँ पे है बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ठीक है पूछेगा बॉमडिला दर्रा कहां पे है तो अरुणाचल प्रदेश में है बॉमडिला दर्रा ठीक है फिर आपसे पूछेगा दिफू दर्रा कहां पे है दिफू दर्रा तो याद रखना है दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश तो बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश दर्रा अरुणाचल प्रदेश फिर आपसे पूछेगा पांग दर्रा कहां पे है पांग दर्रा तो ंगश्व दर्रा भी याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में लेकिन मेनली जो पूछता है एग्जाम में तो बोमडिला और दिफू पूछता है तो पूला दर्रा अरुणाचल प्रदेश दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश प्रदेशाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश ठीक है अब में कौन कौन सा दर्रा है आपसे पूछ सकता है में कौन कौन सा दर्रा है ठीक है तो बताइए आसाम में कौन कौन सा दर्रा है याद है तो इसको कमेंट कर दीजिएगा आसाम में कौन सा दर्रा है ठीक है मेघालय मेघालय में कौन सा दर्रा है इसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा मेघालय में कौन सा दर रहा है ठीक है सिक्किम में याद रखना है सिक्किम से बहुत सवाल पूछता है सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है ठीक है मेनली आपसे पूछता क्या है सिक्किम तो अभी बता ही दिए ना सिक्किम बता ही दिए कि जेलेपिला दर्रा सिक्किम में है नाथुला दर्रा सिक्किम में है तो सिक्किम आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम में है नाथुला दर्रा अब लिखा देते हैं जो जो वो याद रखेगा जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा देते हैं ठीक है जैसे आपसे पूछेगा लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है ठीक है लद्दाख का पूछता है उत्तराखंड का पूछता है एग्जाम में ठीक है अरुणाचल प्रदेश का पूछता है तो लद्दाख में कौन सा दर्रा है यह आपको याद रखना एक तो आपको याद रखना काराकोरम दर्रा बहुत पूछता है सवाल में काराकोरम दर्रा काराकोरम दर्रा पूछेगा ठीक है काराकोरम दर्रा कहां पे है तो आपको बताना होगा काराकोरम दर्रा लद्दाख में ठीक है काराकोरम दर्रा पे है लद्दाख में है और आप जानते हैं कि काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच में मार्ग स्थापित करता है ना तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित इस है इसके अलावा आपको याद रखना है लानक ला लानक ला दर्रा कहाँ पे है लानक ला दर्रा तो लानक ला दर्रा ये भी याद रखना है कि लद्दाख में है चांगला दर्रा कहाँ पे है चांग ला दर्रा, दर्रा लद्दाख में है ठीक है समझ में आ रहा है खारदुंग ला दर्रा कहाँ पे है ये पूछा जाता है खारदुंग ला दर्रा तो खारदुंग ला दर्रा भी कहाँ पे है तो लद्दाख में तो याद रखना है कि खारदुंग ला दर्रा लद्दाख चांगला दर्रा लद्दाख लानक ला दर्रा लद्दाख काराकोरम दर्रा लद्दाख ठीक है तो यहाँ से आप इतना सवाल याद रखिएगा कि लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है काराकोरम दर्रा लानकला दर्रा चांगला दर्रा जाराला दर्रा खारदुंगला दर्रा और जितना भी लद्दाख में दर्रा है ये सारा जैसे काराकोरम हो गया चांगला हो गया लानकला हो गया ये भारत और चीन के बीच में मार्ग स्थापित करेगा समझ में आ रहा है भारत और चीन के बीच में मार्ग स्थापित करेगा जितना भी दर्रा लद्दाख में स्थित है ठीक है इसके बाद आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है जम्मू कश्मीर में तो बुरजिल दर्रा आप जानते हैं कहां पे है जम्मू कश्मीर में है याद रखना अगर पूछेगा कि बुरजिल दर्रा कहां पे है तो आपको याद रखना है बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है इसके अलावा पीर पंजाल दर्रा कहां पे है पीर पंजाल तो पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में तो याद रखना है बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर ठीक है और पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर याद रखना है ठीक है और भी है बनिहाल दर्रा पूछेगा तो बनिहाल दर्रा बहुत पूछता है बनिहाल दर्रा तो बनिहाल दर्रा भी कहां पे है जम्मू कश्मीर में ठीक है तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है बता दीजिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है एक बार याद कर लीजिएगा ये सब सवाल बहुत पूछता है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है तो एक तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का बारा लाचा दर्रा जो कि पूछता है एग्जाम में कि बारा लाचा दर्रा कहाँ पे है तो बारा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है याद रखना है सिपकिला दर्रा कहाँ पे है सिप ला दर्रा कहाँ पे है तो याद रखना है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है ठीक है सिप ला दर्रा कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में ठीक है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश याद रखना है और भी है रोहतांग तो दर्रा हिमाचल प्रदेश में है ठीक है तो उसको भी याद रखिए और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है ठीक है तो उत्तराखंड में एक तो आपको याद रखना है नीति दर्रा नीति दर्रा कहाँ पे है तो याद रखना है नीति दर्रा उत्तराखंड में है नीति दर्रा ठीक है इसके अलावा पूछेगा माना ला दर्रा कहाँ पे है तो माना ला दर्रा उत्तराखंड में तो नीति दर्रा मानाला दर्रा उत्तराखंड में है इसके अलावा आपको याद रखना है एक मुरलिंग ला मुरलिंग ला दर्रा पे है उत्तराखंड में है ठीक है तो नीति दर्रा उत्तराखंड माना ला दर्रा उत्तराखंड याद रखिएगा ठीक है और क्या बच्चा अरुणाचल प्रदेश में बॉमडीला और दिफू दर्रा है याद रखना है मणिपुर में पूछेगा तो तुजू दर्रा है मणिपुर में याद रखिएगा ठीक है तो इतना दर्रा यहाँ से आप याद रखिए तो क्वेश्चन क्या था नाथुला दर्रा किस राज्य में है तो आप जानते हैं कि नाथुला दर्रा कहां पे है सिक्किम में है ठीक है तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाभ उठा सके लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है आंसर करना है लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है तो लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है तो आप सभी जानते हैं कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है कहां स्थित है तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है याद रखना है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है ठीक है भारत चीन और नेपाल के बीच में सीमा बनाता है लिपुलेख दर्रा ठीक है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड इनमें से कौन करेक्टली मैचड नहीं है तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी लिपुलेक दर्रा उत्तराखंड ऑप्शन नंबर सी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी पालघाट दर्रा केरल तो आप सभी जानते हैं कि पालघाट दर्रा केरल में है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है लेकिन नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है ठीक है तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ये गलत है तो नाथुला दर्रा है कहां पे तो अभी तुरंत पढ़े नाथुला दरा पे है सिक्किम में तो याद रखना है कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा सिक्किम लिपुलेक दर्रा उत्तराखंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश पालघाट दर्रा केरल अगला सवाल रोहतांग पास इज लोकेटेड एट रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है तो रोहतांग दर्रा कहां स्थित है फटाफट आंसर कमेंट करें रोहतांग दर्रा कहां स्थित है तो याद रखना है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, में है तो सही आंसर क्या होगा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है ठीक है मनाली को लेह से जोड़ता है तो याद रखना है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है याद रहेगा मनाली को लेह से जोड़ता है कौन सा तो मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है याद रखना है ठीक है तो अच्छा सवाल है ये पूछता है एग्जाम में कि रोहतांग दर्रा कहां है हिमाचल प्रदेश में याद रखना है और रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पृति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है ठीक है अगला सवाल माना पास इज लोकेटेड एट माना दर्रा कहाँ स्थित है माना दर्रा कहाँ स्थित है? है तो आप सभी जानते हैं कि माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है आप याद रखिएगा ठीक है माना दर्रा कहां पे है उत्तराखंड में है याद रखेंगे माना दर्रा उत्तराखंड नीति दर्रा उत्तराखंड मुरलिंग दर्रा उत्तराखंड ठीक है अगला सवाल हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है द स्नो लाइन इन द लाइज बिटवीन हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है हिमालय में हिमरेखा किन के बीच होती है तो याद रखना है तैतालीस सौ से 6000 हजार मीटर पूर्व में तैतालीस सौ से यानी फोर्टी थ्री हंड्रेड से सिक्स थाउजेंड मीटर पूर्व में हिमरेखा जो है वो स्थित है हिमालय के ठीक है तो हिमालय में हिमरेखा कहां से कहां तक होगा तो हिमालय में हिमरेखा है फोर्टी थ्री हंड्रेड से लेकर सिक्स थाउजेंड मीटर पूर्व तक स्थित है ठीक है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है इनमें से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है तो आंसर करें इनमें से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है तो सही आंसर क्या होगा सियाचिन सियाचिन जो है इनमें से सबसे बड़ा हिमनद है याद रखना है तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो सही आंसर होगा कि सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है अब आपसे पूछेगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किस पर्वत मतलब किस पर्वत श्रेणी में या कहाँ पर स्थित है तो काराकोरम में स्थित है ठीक है हिमालय का प्रमुख हिमनद है सियाचिन और भी ऑप्शन जो दिया हुआ है जैसे बियाफो चोंगोलोंगमा ठीक है बाल्टोरो ये सब क्या हिमालय का प्रमुख हिमनद है तो आपसे पूछ सकता है हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है तो सियाचिन है कहाँ स्थित है काराकोरम दर्रा में तो याद रखना है काराकोरम दर्रा में तो काराकोरम या काराकोरम रेंज बोल सकते हैं तो काराकोरम में कौन कौन सा हिमनद स्थित है तो एक तो आपको याद रखना है सियाचिन दूसरा याद रखना है बालटारो बालटारो जो है ये भी याद रखना है कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है ठीक है चौ चोंगालोंगमो चोंगा लुंगमा चोंगा लुंगमा जो है ये भी काराकोरम रेंज में है ठीक है चोंगा छो, लुंगमो ये भी काराकोरम रेंज में है बियाफो बियाफो जो है ये भी काराकोरम रेंज में तो काराकोरम रेंज में बहुत सारा हिमनद है सियाचिन हिल्स पर बाल्टेरो बातुरा चोमोलंगमो ठीक है इसके अलावा रीमो और खुर्दोपिन ये सब क्या है काराकोरम रेंज में स्थित कुछ हिमनद है लेकिन इतना याद रखना नहीं है एग्जाम में पूछेगा नहीं उतना ठीक है तो आपसे पूछेगा कि कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है तो सिंपल से याद रखना है कि सियाचिन जो है है सबसे बड़ा हिमनद काराकोरम रेंज में स्थित है ठीक है समझ में आया तो याद रखना है कि सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इनमें सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है मतलब इन चारों में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है तो आंसर करेंगे इन चारों में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है फटाफट आंसर कीजिए कमेंट ठीक है तो आंसर क्या होगा याद रखना ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री गंगोत्री जो है इन चारों में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है तो गंगोत्री ठीक है याद रखना है गंगोत्री जो है इन चारों में सबसे बड़ा हिमनद है तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा ठीक है और एक चीज और याद रखिएगा गंगोत्री कहां पे स्थित है गंगोत्री हिमनद जो है कहां स्थित है तो याद रखना कुमाऊ उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद कहां स्थित है कुमाऊ उत्तराखंड में याद रहेगा कुमाऊ उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद स्थित है ठीक है कुमाऊ उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद स्थित है आप याद रखिएगा अगला सवाल चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहां स्थित है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड एट ऑप्शन नंबर ए साउथ ऑफ केदारनाथ टेम्पल केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में ऑप्शन नंबर बी वेस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल केदारनाथ मंदिर के उत्तर में और ऑप्शन नंबर डी ईस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल केदारनाथ मंदिर के पूर्व में तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है तो याद रखना है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आया होगा कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है समझ में आया क्योंकि आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है उत्तराखंड में तो आपको याद रखना है कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है ठीक है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है ठीक है इसके अलावा काराकुरम में कौन कौन सा था तो सियाचिन हिल्स पर बाल्टेरो चोमोलोंगमो चोंगोलोंगमो ये क्या है काराकोरम में स्थित कुछ हिमनत था या ग्लेशियर था तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहां स्थित है उत्तराखंड में है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में याद रखिएगा तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाभ उठा सके तो प्लीज सपोर्ट कीजिए क्लास को मेल्टिंग स्पीड ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति ऑप्शन नंबर ए सबसे कम है ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक है हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति क्या है वो पूछ रहा है आपसे ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक है ऑप्शन नंबर सी विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज नॉट हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो ये भी गलत होगा तो हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति किस प्रकार है या तो ज्यादा होगा सबसे या तो सबसे कम होगा तो आंसर करेंगे तो याद रखना है सबसे अधिक है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है वो सबसे अधिक है ठीक है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी मेल्टिंग स्पीड ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज द हाइएस्ट याद रखना है अगला सवाल निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं पर में अवस्थित है तो कौन सा हिमनद है जो उत्तराखंड के कुमाऊ पर में स्थित है तो बता दीजिए आंसर करें उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ठीक है तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक तो गंगोत्री है तो ऑप्शन में है नहीं गंगोत्री दिया हुआ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा हिमनद है गंगोत्री हिमनद है और दूसरा आपको याद रखना मिलाम ठीक है तो गंगोत्री और मिलाम जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित हिमनद है समझ में आया तो मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है ठीक है बाकी आप देखिए ऑप्शन में हिल्स पार तो हिल्स पार आपको बता दिए काराकोरम रेंज में है काराकोरम रेंज में है हिल्स पार काराकोरम रेंज में है सियाचिन कारा कोरम कारा, कारा रेंज में है सियाचिन काराकोरम रेंज में है हिल्स पार ठीक है जेमू जेमू जेम। पूछेगा किस में आता है तो जेमू याद रखना कंचनजंगा में आएगा ये जेमू जो है कंचनजंगा क्षेत्र में कंचन जंगा ठीक है तो जेमू जेम। जो है जेमू हिमनद कंचनजंगा क्षेत्र में है याद रखना है ठीक है रूपल पूछेगा तो रूपल जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है या फिर वृहद हिमालय में है ठीक है तो उतना डीपली याद नहीं करना है लेकिन हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो हेल्स पार पूछेगा तो हेल्स काराकोरम रेंज में है जयमू कंचनजंगा रेंज में है मिलाम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है और रूपल कहां पे है तो रूपल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है या फिर वृहद हिमालय में स्थित हिमनद है ठीक है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा अगला सवाल भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों सेलो का निर्माण हुआ है किस युग में भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है ठीक है तो आंसर कीजिए किस युग में भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है तो सही आंसर क्या होगा बताएं आंसर करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्रिटेशियस युग में क्रिटेशियस एरा में भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है ठीक है तो याद रखना है क्रिटेशियस युग में क्रिटेशियस काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा